गाड़ी को खोलना कहाँ क्या, इसका वाट लग गया यार। चलो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर 4 किलोमीटर है, ये देखिए आप देख के समझ जाइए वो पहाड़ दिख रहा है। पेट्रोल आना चाहिए, पेट्रोल ही नहीं आ रहा ना, इसमें फूक बेटा इसमें फूक। तो ये है स्टार्टिंग गेट यहाँ से त्र्यंबकेश्वर। इस वक्त हम जवार गांव के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे आ रहा है पहला एक टर्निंग, जो बहुत ही मतलब बोल सकते पूरा 90 डिग्री का टर्निंग है यहाँ पे। और ये टर्निंग देखिए, ये एकदम ऊपर, ऐसे बताऊँ मैं आपको। हाँ कहो यार, मेरे पास गोप्रो नहीं है, वरना आपको मैं इस जो रास्ता है, कमाल का रास्ता है जवार और त्र्यंबकेश्वर का जो रास्ता है, मतलब एक नंबर बोल सकते रास्ते को, इतने टर्निंग है, इतना अच्छा रास्ता है, मुझे बार बार फोन ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये देखिए रास्ता ऐसे, वहां से घूम के देखिए वहां पे जाता है। चले भाई रुको, नहीं तो ये है वो ब्रिज। चलो 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 चलो, ये देखिए सेम एयर एंड सेम एयर, तो ऐसा ब्रिज आगे एक और सेम आएगा, सेम टू सेम है, लेकिन वो ब्रिज खत्म होने के बाद डायरेक्ट मुरचुंडी घाट स्टार्ट होगा, जो बहुत ही बड़ा घाट है, उसका वीडियो निकालूंगा मैं। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी में समस्या हमें नजर आ रही है क्या? हाँ बेटा, चढ़ाने कैसे गाड़ी भागेगा तो बता। नहीं चलो, यहाँ भी कभी कभी रात को चेकिंग होती है, पता है क्या? हाँ यहाँ पे ऊपर पुलिस चौकी है। तो ये लास्ट है, मतलब ये मेन लास्ट घाट है, इसके बाद कोई घाट नहीं है। तो देखिए मुरचुंडी घाट बोलते हैं जिसको, स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी का जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे कैसा एकदम डाउन डाउन सा हो गया है। ओके
पास गियर है, वो गियर डाउन करते और निकलते ऊपर पिकअप। देख सकते हैं इतना लंबा हम और अच्छा रास्ता काफी देर बाद आया है। यहाँ पे और यहाँ से सभी लोग अपनी गाड़ी को बंद करके लेके जाते हैं आराम से। और सच्ची बोलूँ यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा मतलब आ रहा है, बहुत ही एसी जैसा पूरा हवा है। अब मैं सच बोल रहा हूँ, अभी आप यकीन करो या ना करो आप पे डिपेंड करता है। और ये यहाँ से लास्ट चढ़ान वहाँ पे रुकना जहाँ पे गाड़ी रुकी है, यहाँ पे रुकना। रोको रोको रोक। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर 4 किलोमीटर है, ये देखिए आप देख के समझ जाइए, वो पहाड़ दिख रहा है आपको। और पता नहीं अचानक से गाड़ी में क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई, गड़गड़ आवाज़ आने लगा। अब देखते कि तो छाँव में लेके जाते आगे, यहाँ पे गैरेज है वहाँ पे देखते क्या हो रहेगा इसमें। और हाँ है आगे गैरेज, पंचर की दुकान दिखी है वहाँ पे, देखते स्क्रू ड्राइवर मिला तो खोल के चेक करेंगे क्या हुआ इसमें। पहुंच गया यार, यहाँ से बस 2 किलोमीटर है यार, चल देखते। तो यहाँ पे वो ऑयल चेक कर रहा है कि ऑयल कुछ गया तो नहीं, बाकी खोल दिया है, देखेंगे। आग जैसा गर्म है यार, और अचानक से साला कैसे गाड़ी बंद होगा समझ में नहीं आया। ऑयल है देखो भाई, ऑयल नहीं गाड़ी में पुणे, वो अभी ये वो टाइट कर रख के टाइट कर, हाँ तो अंदर जाएगा। कुछ नहीं है सादा, कुछ नहीं है, गाड़ी में ऑयल ही नहीं है। आई सा थोड़े पेट्रोल आना चाहिए ना, पेट्रोल ही नहीं आ रहा है ना। इसमें फूक बेटा, इसमें फूक। हाँ इसमें फूकना पड़ेगा। पेट्रोल ही नहीं आ रहा है भाई ना, वही ना है। देखो पेट्रोल अभी नीचे कर, आया ना नीचे कर, अब नहीं आएगा। जब हम इसको वापस सांस ले के उल्टा इसको दबा लेंगे तो पेट्रोल देना। हो गया, चालू करो, तीर मारो। नहीं चालू कर, आएगा ना फिर, चालू कर बेटा, मारो दबाओ, किक दबाओ। हाँ पेट्रोल नहीं जा रहा भाई, पेट्रोल नहीं जा रहा है, रुक जा। चलिए यहाँ पे मेरा गाड़ी वापस चालू हो गया। और यहाँ से कितना वो कंप्रेसर गाड़ी का चले गया था तो ऑयल लिया है, कहाँ पता नहीं कौन सा कहाँ से ऑयल मिला है, चालू हो गया। और यहाँ से दर्शन करने को निकल जाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ी रेडी हो गया और लेकिन थैंक यू अंकल, थैंक यू भैया। और ओ माय गॉड, स्टार्ट हो गया गाड़ी, स्टार्ट हो गया यहाँ पे गाड़ी और निकल ले बस 2 मिनट। ओ क्या हो गया, ये बंद मत करना।
गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो, चलो चलो हाँ चलो चलो। और यहाँ पे गाड़ी अच्छा मदद किया हमको, ऑयल ला के दिया। गाड़ी ज्यादा एक्सलेटर मत दो भाई, गाड़ी बंद हो गई थी यार भाई, चालू हो गई। बुलेट सिंह भाई सर और मेरे दोस्त ने पूरा राइड किया, 110 किलोमीटर राइड किया और आ गए हम यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ पे हमारा मतलब आज का टारगेट ख़त्म हुआ, बीच में गाड़ी भी ख़राब हो गई, गाड़ी ने पिकअप क्या गाड़ी ने कंप्रेसर छोड़ दिया, तेरा चेहरा देख कैसा हो गया है। और ये रहा मंदिर, और 120 किलोमीटर हमने आए यहाँ से, वापस जाना है 120 किलोमीटर, बाहर से लाइन लगा है। बस यहाँ से आ गए, दर्शन हो गया, अब निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। तो आपने देखा कि वहाँ से आने का मेन रास्ता है और एक रास्ता इधर से आने का सीधा, जहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ से हमने सीधा टर्न मारा, राइट टर्न नहीं मारा। तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से सीधा चल के जाएंगे तो आगे आपको त्र्यंबकेश्वर का जो मतलब जो नदी था, मतलब जो पानी पानी का जो स्तंभ था, मतलब वहाँ पे गए थे। और ये रहा मंदिर, और बस यहाँ से निकल रहे। तो इतना ही है, अगर और आपको घूमना है यहाँ पे आजू बाजू तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सेकंड टाइम आऊँगा तो पूरा वीडियो बनाऊँगा कहाँ पे कैसे घूमना है, एक पूरा एपिसोड बढ़ा दूंगा मैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, चलो चलते हैं, बाकी लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये भाई साहब भी इनके साथ लग चुके हैं, और गाड़ी का पूरा ऑयल ख़त्म हो गया, ऑयल सीज हो गया कुछ पता नहीं चला कब कैसे हो गया, और अभी यहाँ लगा है। तो देखेंगे इसका वीडियो, गाड़ी को खोलना कहाँ क्या, इसका वाट लग गया यार, चलो।